जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरठ एआरओ, आप सभी को जैसे पता है कि मेरठ एआरओ की पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही है, आपके यूट्यूब चैनल चीनू सैदपुर फिजिकल पर मिल रही है। तो दोस्तों हम ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, अब मुद्दे पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी मेरठ एआरओ में के मुजफ्फरनगर होगी या बड़ौत होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख यानी परसों बैठक हो चुकी है सहारनपुर में, क्योंकि सहारनपुर है सिंथेटिक ट्रैक और हमारे जो कर्नल साहब हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं, एक नंबर आदमी हैं। उन्होंने बोला है, उन्होंने चेतावनी और हिदायत दी है कि बच्चों के लिए सिंथेटिक ट्रैक पर ही भर्ती होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भर्ती इस बार पहली बार मेरठ एआरओ में सिंथेटिक ट्रैक पर देखने को मिलेगी। और अब रही बात के ग्रुप कितने कितने के छूटेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्रुप ज़्यादा के नहीं बनेंगे, 100 या 150 बच्चों के ग्रुप बनेंगे। और दोस्तों आप लोग अब ये पूछोगे कि आपको कैसे पता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान ने ये न्यूज़ कवर की है कि बैठक हो चुकी है, पुलिस बल तैनात करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और सुलभ शौचालय, जो मोबाइल शौचालय होते हैं उनके भी आदेश दिए हैं। और चारों तरफ से 8 तारीख से 28 तारीख तक चारों तरफ से बच्चों के लिए पूरी सुविधा आर्मी इस बार करने जा रही है, पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पर भर्ती होगी। दोस्तों अब बहुत से भाई बोल रहे हैं कि सिंथेटिक ट्रैक पर नंगे पैर दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं, अगर इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आने वाले समय में वीडियो जरूर देंगे, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर दोस्तों। और कल को जो वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि सिंथेटिक ट्रैक की आपको वीडियो दे सकें, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से पड़ता है 130 किलोमीटर दूर और 130 किलोमीटर आप जानते हैं कि कितनी दूर पहुंचता है। और दोस्तों अगर आप कोई टॉपिक या किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको पूरा सहयोग देते आए हैं और देते रहेंगे। नंबर एक की न्यूज़ और एक नंबर का वर्कआउट आपको मैंने पिछले 3 दिन पहले दिया है, 1 हफ्ते का, जब वो वर्कआउट पूरा हो जाएगा अगले हफ्ते फिर वर्कआउट देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको जाना है सहारनपुर, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप स्टेशन से उतरते हैं, स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद जहां पहले भर्ती हुआ करती थी उस तरफ चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड मुड़ते ही किसी रिक्शा वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्शा वाले इधर उधर को घुमा के आपको पैसे बना के कोई भी ठग सकता है। आप लेफ्ट हैंड मुड़ के उसके थोड़े से आगे चलते ही अम्बेडकर स्टेडियम है और स्टेडियम में सिंथेटिक लगा हुआ है। तो दोस्तों अब की बार बहुत सुविधा होने वाली है, तो अपनी तैयारी अगर आप कर रहे हैं और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये आने वाले समय में परमानेंट आर्मी होने की कगार पे है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन से अपनी तैयारी और बढ़ा दें, क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है चीनू सैदपुर फिजिकल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।